English is a language and communication is a skill. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. क्या बोल रही है? नहीं समझ में आया? नहीं यार, मेरे तो सब बाउंसर ही जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि आप बोलने कुछ जाते हैं और निकल कुछ और जाता है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। मैं हूं आपका होस्ट अमजद शेख, और मैं हूं सबीहा शेख, और आज हम आपके लिए लाए हैं ऑफर जोन के गपशप सीरीज का एपिसोड नंबर 2। आज का टॉपिक है हम अपने स्पीकिंग स्किल्स को 10 गुना कैसे बढ़ाएं। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के आर्ट और साइंस यानी उसकी डिटेल को समझेंगे। जी हाँ, इसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। ये पब्लिक स्पीकिंग कोच होने के साथ साथ लोगों को मीटिंग्स और गैदरिंग्स के लिए कॉन्फिडेंटली बात करना सिखाते हैं, और इतना ही नहीं, ये एक जोश टॉक स्पीकर भी हैं। सो टू गाइड अस थ्रू हाउ वी कैन 10x आवर स्पीकिंग स्किल्स, प्लीज अलाउ मी टू इनवाइट सर अक्षय धोने। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाय हेलो अक्षय, सबिया वेलकम। जी, हाय अजमत, अमजद जी, हाय हाय, वेलकम वेलकम टू ऑफर जोन। वी आर सो डिलाइटेड टू हैव यू टुडे। आई एम हाउ आर सो यू? हैप्पी, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप बताइए, आप कैसे हो सबिया जी, हम अमजद भी जी? बढ़िया, बढ़िया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। या कैन यू टेल अस बिट अबाउट योरसेल्फ एंड योर स्पीकिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ कोचिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स? बिल्कुल। सो मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं अपने कॉलेज डेज में था। एक्चुअली मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है 2018 में। जब मैं 2017 में थर्ड ईयर में था, मुझे ना कॉलेज के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना था, एंड उसका एकमात्र रीजन ये था ना, क्योंकि कॉलेज में मुझे 75% अटेंडेंस मिल जाता था, बिकॉज मुझे कॉलेज लेक्चर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फेस्टिवल का एक पार्ट था। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इसमें थी कि अगर मैं किसी फेस्टिवल में एज ए टीम मेंबर काम करता हूँ, तो मुझे हर क्लास में जाके वहाँ अनाउंस करना होता था। अनाउंस क्या करना होता था? यही कि हमारे कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है, सैक रेस होने वाला है, फिर उसके बाद रनिंग रेस कॉम्पिटिशन होने वाली है, फिर उसके बाद कैरम होने वाला है, टेनिस होने वाला है, एंड इंजीनियरिंग के क्लासेस में जा जाके अनाउंसमेंट करना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर भी मेरे दोस्त ने बोला, यार अक्षय हम सब तो कर ही रहे हैं, तुझे भी करना है, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अटेंडेंस तेरे को फ्री में मिल रहा है। बोला यार, मेरा दोस्त का नाम ऋषि था, मैंने बोला यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा। उसने बोला नहीं अक्षय, तेरे को जाना पड़ेगा, एंड उन्होंने मुझे क्या किया, डायरेक्टली क्लास था, क्लास के अंदर डायरेक्टली सामने से भेज दिया, एंड आई वॉज वाओ, कम्प्लीटली शॉक। इतने सारे लोग, 60-70 स्टूडेंट्स लोग सामने बैठे हैं, सर वहां पर सिखा रहे हैं। सर को बोला सर 2 मिनट मिलेंगे अनाउंसमेंट करने। मैंने बोला यस यस, स्टेज इज ऑल योर्स। मैं स्टेज पे गया एंड वहां पर जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट की, लिटरली मुझे एक लाइन बोलने में ना आप कह सकते हो 90 सेकेंड्स लग गए, बिकॉज मैं वाओ, फंबल करके बोल रहा था। मैंने 2 वर्ड्स बोले, फिर पॉज लिया, 3 वर्ड्स बोले, फिर पॉज लिया, हकला के बात कर रहा था मैं, एंड स्टूडेंट्स तो हंसने लग ही गए, बट जो सर थे वो भी हंसने लग गए। वो तो मुझे ना वहां पर थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई यार। अभी जो मेरे साथ हुआ क्लासरूम में, वो क्या था कि मैंने ना कभी बोला नहीं चाहिए वहां पर। माना कि जो बाकी के जो मेरे टीम मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, बट तभी मैंने उस दिन से ठान लिया था सबिया जी, अमजद जी, कि मुझे ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। ऐसा ना हो कि मेरे दिल में जो बात है वो मैं कह ना पाऊँ। तब से मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, ठीक है। फिर मुझे जॉब भी इसी वजह से मिला, जब मैं कॉलेज में पास आउट हो गया, मुझे जॉब ऐसी मिली कि मुझे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा जाके जो है वर्कशॉप्स देने हैं। वर्कशॉप्स किसके बारे में देने हैं? एंड्रॉयड ऐप कैसे काम करता है, वेबसाइट हम किस तरह से बना सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में, एंड वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लग गया। सुपर। एंड आई एम सो हैप्पी टू से दिस कि 2018 से लेकर अभी तक मैंने 160+ कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो है ऑफलाइन वर्कशॉप्स दिए हैं, एंड फर्स्ट दो वेरी वर्कशॉप्स थे ऊपर नीचे हुए थे, बट उसके बाद वाह, की जो जर्नी रही है मेरी स्पीकिंग स्किल्स की, सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड। सो ये नो जर्नी मेरे लुकिंग कॉलेज से बैक, शुरुआत हुई थी। नाइस कूल कूल जर्नी। कूल। सो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप जब हम सिखाते हैं या सीखते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तो ऐसे क्या कोई की प्रिंसिपल्स या स्ट्रैटेजीज हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में और सिखाने में हेल्प करता है? सो लेट्स टॉक अबाउट सीखना, लर्निंग फर्स्ट एंड देन सिखाने की बात करते हैं।
बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना सभिया जी, इट्स अ लिसनिंग स्किल। अगर मान लो आप स्कूल में हो या फिर कॉलेजेस में हो, डॉक्टर के पास ही, लाइक अगर आप बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या पूछता है कि हाँ आपको अगर खांसी हो रही है कब से हो रही है, आपने करेक्ट. क्या खाया था, आपने 2 दिन पहले क्या खाया था, आप कहाँ गए थे, बाहर घूमने गए थे, ठंडा पानी किया था, तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है, आपकी बातें सुनता है, उसके बाद वो जो है आपको दवाई देता है या फिर इंजेक्शन लगाता है। ऐसा खांसी की बीमारी लेके गए, डॉक्टर ने बोला हाँ जी चलो इसको हार्ट का इंजेक्शन दे देते हैं, हार्ट में बीमारी है, ऐसा नहीं है, राइट? सो कम्युनिकेशन स्किल आई पर्सनली फील इज 90% लिसनिंग स्किल्स। अगर आप अच्छे से सुन पाओगे तो ही आप अच्छे से जवाब दे पाओगे, तो दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। एंड दैट्स सच अ गुड कम्युनिकेशन पॉइंट. स्किल्स, या 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 एंड कम्युनिकेशन स्किल में ऐसी चीज होती है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट वी स्पीक, इट्स अबाउट हाउ वी स्पीक, राइट? वाह. आप शाहरुख खान के डायलॉग्स देख लो, लाइक एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, आपने सेनोरिटा. ये, यस सेनोरिटा, सिंपल है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट जी जिस वे में वो शाहरुख खान ने डिलीवर किया है ना, वो इमोशन उस फील के साथ, उसमें जादू। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से। इसलिए आपने कभी देखा रहेगा जो फिल्म ज्यादा नहीं चलती उसके गाने बहुत सही होते हैं, क्योंकि उसमें हाँ लिरिक्स में, उसमें जो ऑथेंटिसिटी होती है, उसमें जो फील होता है, इमोशन होता है, जो सिंगर होता है उसमें पूरी जान डाल देता है सॉन्ग, तो उसकी वजह से वो मूवी चल जी जाती है, उसके सॉन्ग चल जाते हैं। सो दैट्स जी व्हाट आई वुड से, इट्स अबाउट हाउ यू स्पीक एंड सेकंड इज योर लिसनिंग स्किल्स। सर, क्या पब्लिक स्पीकिंग उतना ही पर्सनली उतना इम्पोर्टेंट है जितना प्रोफेशनली? बिल्कुल, पब्लिक स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है हर फील्ड में काम आती है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसके आंसर्स देते हो। अगर मान लो अगर आपको किसी स्ट्रेंजर को भी अप्रोच करना है, मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, तो आपको भी कम्युनिकेशन करना ही होगा। लाइक एक मैं किस्सा सुनाना चाहूंगा, मुझे ना बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पहले पसंद था, अभी मैंने बहुत कम कर दिया है, बट मैं ना एक बार ट्रेवल कर रहा था, मेट्रो से ऑफिस से मैं छूटा, मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, मेरे बाजू में एक इंसान बैठा था, वो जो बुक पढ़ रहा था ना, तो उसका एक पैराग्राफ मुझे पढ़ के इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार ये बुक तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, बट मुझे इस बुक का नाम पता नहीं है, वो ऐसे करके बुक पढ़ रहा था, सो मुझे बुक का नाम पता नहीं चला, इतना सिर्फ पेज नंबर दिख रहा था, एंड मुझे तो वो बुक पढ़नी थी। सो जब मेरा स्टेशन आया तो कोइंसिडेंटली वो भी उसी स्टेशन पे उतरने वाला था, तो मैं खड़ा हुआ डोर पे, वो भी खड़ा हो गया डोर पे, एंड मैंने उससे बस पूछ लिया कि आप बुक रीडर हो क्या? बोला यस यस आई एम अ बुक रीडर। मैंने बोला यस आई हैव सीन दैट यू वर रीडिंग दिस बुक, एंड मुझे ये ना एक पैराग्राफ इसका बहुत सही लगा, क्या आप मुझे उस बुक का नाम बता सकते हो? बोलता है यस श्योर, एंड उसने मुझे उस बुक का नाम बताया। मान लो अगर मैंने वो कम्युनिकेशन स्टार्ट ही ना किया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता। सो एंड मैं उसको जान भी नहीं पाता, एंड मुझे बाद में पता चला कि ही वाज अ वेरी गुड रीडर। सो ऐसी चीजें होती है, कोई भी चीज अगर आपको चाहिए है लाइफ में तो उससे कम्युनिकेशन स्किल काम आती है। एंड आपको पता है जो इंडियन मम्मीज होती है वो कब पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होती है, बिकॉज सब्जी लेने जाओ, शॉपिंग करने जाओ, निगोशिएशन स्किल्स तो उनके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। मेरी मम्मी जब भी शॉपिंग करने जाती है, फिर मैं जब उनके साथ जाता हूँ, अगर दुकान वाले ने बोला ये 1,000 रुपए की चीज है, मॉम मॉम वुड डायरेक्टली कम टू 400, क्या सीधा 50%. आई एम लाइक मम्मी, फिर मुझे थोड़ी जो शर्म मम्मी आती लोग है, का फिर बार्गेनिंग बाद में वो पावर, दे भी देता है। जो मम्मी लोग का हाँ बार्गेनिंग पावर है वो हम लोग में नहीं होता है। डेफिनेटली नहीं होता। अभी रिसेंटली ये बात है, मेरी फ्रेंड की शादी थी, मेरे पास कुर्ता नहीं था, मैंने कुर्ता ले लिया 2,000 रुपए का, फिर मैंने बाद में मम्मी को बोला मम्मी ये देखो मस्त कुर्ता है ना, मम्मी हाँ हाँ बहुत सही है, फिर कितने का लिया? मैंने बोला 2,000 का, बोलती ये 400 का मिलता है जरूर माय दिया। गॉड. एक्चुअली हम भी मम्मी को साथ में इसलिए लेकर जाते हैं शॉपिंग के लिए कि हम लोग को डिस्काउंट अच्छा दिलवाती है मम्मी. सो डेफिनेटली, दैट्स सो नाइस. सो कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल ना हर एरिया में आपको इम्पोर्टेंट है ही, भले आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो तो आपको प्रेजेंटेशन देने होते, वर्किंग प्रोफेशनल हो तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बहुत से बात करनी पड़ती है, थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है। सर, हैव यू नोटिस एनी कॉमन प्रॉब्लम्स विद पीपल स्ट्रगलिंग टू टॉक और टू एक्सप्रेस देमसेल्फ?
यस डेफिनेटली, मैंने एक चीज देखी है, लोगों के पास ना अमजाद जी स्किल्स होती है, हर एक के पास कोई ना कोई ऐसी हिडन स्किल्स होती है। मेरे अंदर स्पीकिंग स्किल्स थी बट मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर वो है, राइट। बट दिक्कत ये होती है ना सबके अंदर कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अभी देखो मुझे पब्लिक स्पीकिंग स्किल आती है और मुझे वो एक्सप्रेस करना आता है सामने वाले को। हो सकता है कोई एक स्टूडेंट है जो कि 11th में है या फिर 12th में है, उसको डांसिंग बहुत सही आती होगी पर वो डांसिंग किसी को सिखा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो एक्सप्लेनेशन स्किल्स नहीं है, उसको सिखाना नहीं आता। मेरा ये खुद का दोस्त है, जब मैं कॉलेज डेज में था ना वो हमेशा टॉप मारता था क्लास के, एंड मैं बस पास हो जाऊंगा बिकॉज मुझे इतना ज्यादा स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने एक दिन हम लोग एवरेज स्टूडेंट, एवरेज, मेरा भी ऐसा होता था, मेरा तो ऐसा हाँ होता था, फिर पेपर लीक देता था, फिर ना बहुत से फ्रेंड्स लोग, जैसे स्कूल्स में बहुत से फ्रेंड्स लोग पेपर छोड़ के चले जाते, बोले क्यों लिखना है। और तो मैं भी बोला मैं तो इतना लिख लेता था, चलो 50 मार्क्स का लिख लेता हूँ, 35 तो मिल ही हाँ जाएंगे, इतना स्ट्रेस लेना राइट तो क्या आ जाता था। स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर यू, वेरी नाइस। अच्छा ये अगर कॉमन प्रॉब्लम्स है सर तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ टिप्स अगर आप बता सकें तो इट विल बी वेरी नाइस। बहुत इजी है, बस यही है कि आप जाके डायरेक्टली बात करो, जैसे मैंने किया। वो जो बंदा टॉप आता था मेरी उससे बातचीत ही नहीं होती थी कभी, बट एक बार मैंने सोचा यार कि दिन में ना हमारे दो पेपर होते थे इंजीनियरिंग में यूनिट टेस्ट में, एक पेपर की मैंने तैयारी कर ली थी सुबह वाले और ब्रेक के बाद आफ्टरनून में एक और पेपर था। तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, मैंने उस दोस्त को बोला देख वो बंदा है वो फर्स्ट आता है हमेशा, एक काम करते सेकंड पेपर हम दोनों ने सीखा नहीं है, हम दोनों जाके उससे बात करते, उसको बोलते भाई तू हमें बस थोड़ा सा बेसिक्स बता दे, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज बता दे, हम बाकी कर लेंगे। हम दोनों गए, मैंने उससे बात की, बंदा हमें इतना शिद्दत से समझाने लगा, आधा घंटा उसने समझाया, हमने बोला कि हाँ हाँ राइट बहुत सही हम कर लेंगे अभी। बट बाद में जैसे ही हम वहां से निकले ना, बाद में मेरा दोस्त बोलता तुझे समझा, मुझे कुछ नहीं समझा। नहीं सो ही वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट बट उसको समझाना ठीक से नहीं आता था, एंड मैं सामने उसको बोल नहीं समझा। सकता कि भाई तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो वापस बता सकता है। और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो टीचर्स भी रहते हैं वो बहुत एवरेज ही रहते हैं, तो इतना ज्यादा समझ में आता नहीं, तो सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है। सो इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, जो बंदा स्मार्ट है, जो आपको लगता है कि हाँ ये आपको सिखा सकता है, जिसकी भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है, आप उनसे बस रिक्वेस्ट करो कि कैन यू टीच मी दिस। कोई ना नहीं बोलेगा यार, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा नॉलेज आप शेयर करोगे लोगों से उतना ही ज्यादा नॉलेज बढ़ता है, सो वो एब्सोल्युटली। आपको सो ओवरकम करना पड़ेगा। बेसिकली थोड़ा सा वो शर्म का वो जो पर्दा है उसको साइड में हटाकर कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। मे बी अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट या शाई पर्सनालिटी हैं तो उसमें से बाहर अपने आप को निकालना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा ना, तब जाके एंड यू जस्ट नीड दैट फर्स्ट स्टेप आई थिंक। फिर तो इट्स नॉट नो लुकिंग बैक, एक बार आपको वो आदत हो जाती है तो यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद इट, सो दैट्स नाइस। अच्छा जहां हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आजकल जैसे कि अभी पहले अगर हम बोलें कि इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इंग्लिश में ठीक ठाक नहीं हूं, मैं नहीं बोल पाता या नहीं बोल पाती, तो ये चीज ना लोगों को बहुत पीछे रोक देता है, उनके कॉन्फिडेंस को मार देता है। तो यहाँ इंग्लिश का की क्या जगह है लैंग्वेज स्किल्स में या कम्युनिकेशन में? मैं ना इस पॉडकास्ट में एक सबसे बड़ा मिथ ब्रेक करता हूँ। लोगों को लगता है अगर उनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, नहीं ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास ऐसे भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनको इंग्लिश आती है बट उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी। सो इससे ना आओ एक चीज डेफिनेटली प्रूव हो जाती है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज अ स्किल, यू कैन नॉट कंपेयर बोथ ऑफ दिस। एंड मैं खुद एक मेरी स्टोरी बताता हूँ। मुझे ना कोर्स रिकॉर्ड करना था मराठी में, ठीक है, मैंने इंग्लिश में अच्छे से कर दिया था, हिंदी में अच्छे से कर दिया था, बट व्हेन आई वाज मेकिंग अ कोर्स इन मराठी आई वाज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज इतना ज्यादा जो है मैंने वो लैंग्वेज बोली नहीं, एंड वो आती है प्रैक्टिस। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अगर आपको हिंदी भी आती है, अगर आपको उर्दू आती है, अगर आपको मराठी आती है, अगर आपको बंगाली आती है, आप उस स्किल को पकड़ के जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल की, पब्लिक स्पीकिंग स्किल की। इनफैक्ट वो एक स्पेशल स्किल हो जाती है। सारे लोग इंग्लिश में सिखा रहे पब्लिक स्पीकिंग, सारे लोग हिंदी में सिखा रहे, बट आप अपने रीजनल लैंग्वेज में सिखा रहे, आप सिर्फ
कई थोड़े से लोगों को कैटर कर रहे हैं, बट वो आपकी एक स्किल है। अगर आपको बोलना आता है वो एक स्किल है, अगर आपको एक भाषा आती है वो एक डेफिनेटली एक स्किल है, सो इट्स अ बैरियर। सर, हाउ कैन इंडिविजुअल बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल और पर्सुएसिव? इसका है ना सिर्फ एक ही लाइन में मैं आंसर देना चाहूंगा। इन्फ्लुएंसिव बनने के लिए जो है आपके बातों में जो है पावर होना चाहिए, राइट? अगर आप सिंपल वर्ड्स भी बोल रहे हो बट उसमें कोई पावर है, लाइक अगर शाहरुख खान है, एक शाहरुख खान की स्पीच है और एक नॉर्मल इंसान जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चा है उसकी स्पीच है, दोनों के अंदर सेम एनर्जी है, बट ज्यादा किसको लोग पसंद करेंगे? शाहरुख खान को। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, वो जो कुछ भी बोलेगा लोग उसको मानेंगे। बट मान लो 12th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है वो भी सारी चीजें सही से बोल रहा है, सब कुछ अच्छे से बोल रहा है, उसके बातों में भी दम है, बट वो इसको सुनेगा क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हो अपने स्पीचेस में उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी होनी चाहिए, तो ही आप लोगों को जो है अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर पाओगे, पर्सुएसिव कर पाओगे। सर, बॉडी लैंग्वेज क्या रोल प्ले करता है इसमें? बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है। लाइक मान लो कल आप मुझे बोलो कि अक्षय आपको ना स्टेज पे जाके स्पीच देनी है, एंड मैं स्टेज पे जाके बस ऐसा खड़ा हूँ एंड मैं स्पीच दे रहा हूँ, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वे वी आर हियर टू लर्न अबाउट पब्लिक, मजा नहीं आएगा। बट अगर सेम चीज मैं एनर्जी के साथ स्टार्ट करूँ, मैं अपने हैंड्स के मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की ऑडियंस को जो है देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, उन्हें लगेगा हाँ यार अक्षय सर मेरी तरफ देख के बात कर रहे हैं। इनफैक्ट स्कूल में भी ऐसा ही होता है, कॉलेज में भी ऐसा ही होता है, अगर टीचर हमारे पास देख के अगर बात करता है ना हमें लगता है वेरी टीचर हमें भी, बट वो बोलती पूरी क्लास को, बट हमें लगता है कि हमें बोलती। जैसे जब मैं स्कूल डेज में था जब एग्जाम्स होते थे तो कई सारे गेस्ट लेक्चर्स होते थे जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे एग्जाम से पहले कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, वो पूरे 60 स्टूडेंट्स को बोलते थे, बट हमें क्या लगता था अरे यार ये तो पर्सनली हमें, राइट? तो इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि लाइक आप पूरे स्टेज को यूटिलाइज करो, आप अपने हैंड्स के मूवमेंट करो, आप अपने आईज सिर्फ एक ही जगह मत रखो, पूरा आपका पूरे स्टेडियम के और हर एक स्टूडेंट को देख के आप बात करो, सो बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट। सर, स्टेज फ्राइट, जैसे आपने स्टेज की बात की तो मैं स्टेज फ्राइट पे आना चाहता हूँ। स्टेज फ्राइट एक बड़ा खौफनाक टर्म है। डू यू हैव एनी एडवाइस टू ओवरकम दिस? बिल्कुल, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, पता नहीं कितने लोगों को ये नंबर पता है या फिर जितने भी लोग ये देख रहे हैं, 70% पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड हैव द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब उनको मौत पसंद है बट उनको स्टेज पे नहीं जाना, लिटरली ये सही है, बिकॉज उनके हाथ कांपने लग जाते हैं ऐसे, वो बोल नहीं पाते। इनफैक्ट जो टीचर्स मेरे स्कूल में थे ना जो इतने कॉन्फिडेंटली बात करते थे अपने स्टूडेंट्स के सामने, वही अगर कोई बड़ी मीटिंग रहेगी जहाँ पर चीफ गेस्ट आए हो, चीफ गेस्ट के सामने अगर उस टीचर को सेम टीचर को बात करना होगा ना जहाँ पर और बाकी टीचर्स बैठे रहेंगे, वो नहीं बोल पाती थी, क्यों? डर है ना, उनके सीनियर्स बैठे हैं सामने, सो ये चीज होती है। तो अगर आपको वो स्टेज फ्राइट दूर करना है तो मैं कहूंगा कोई ना कोई टेक्निक अपनानी पड़ेगी। चलो मैं आज अपना सीक्रेट यहाँ पर रिवील कर देता हूँ, मुझे आज भी नर्वसनेस होती है, अगर आप मुझे कल बोलो कि 1000 लोगों के सामने तुम्हें अक्षय स्पीच देनी है, मुझे नर्वसनेस होगी, मैं भी इंसान हूँ मुझे भी डर लगता है, बट मैं इसको है ना कैसे हैंडल करता हूँ, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मैं क्या करता हूँ स्टेज पे जाने से पहले चॉकलेट खा लेता हूँ, तो इससे होता ये है कि मैं खुश भी हो जाता हूँ एंड मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस चॉकलेट में, यार चॉकलेट बहुत अच्छी है, तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। हम स्टेज पे जाने से पहले क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं ना कि यार सारे लोग रहेंगे, मेरा पोपट हो गया तो लोगों को मेरी स्पीच पसंद नहीं आई तो लोग टमाटर वमाटर फेंकेंगे, तो अरे नहीं यार, वो लोग अपना कीमती समय निकाल कर आपको सुनने आए हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको अभी सुनना तो चाहते स्कैनर हैं। भी लग गया सर। पहले पहले टमाटर आते थे, अब तो टमाटर अंडे भी नहीं ला सकते, स्कैनर्स होते। राइट राइट बिल्कुल, सो यही चीज है। या तो जैसे जैसे मेरा फेवरेट है, मैं चॉकलेट खाते जाता हूँ, आप जो कोई भी स्वीट डिश होगी वो आप खा के चले जाओ, पता नहीं क्यों, बट मैं एक चीज डेफिनेटली कहना चाहूंगा, जो नर्वसनेस होती है ना, मान लो आपको 15 मिनट का समय दिया गया है स्टेज पे, आपको 15 मिनट बोलना, गारंटी के साथ कह सकता हूँ सिर्फ 2 मिनट का नर्वसनेस होगा, एक बार वो 2 मिनट निकल गए ना आप यूज टू हो जाओगे स्टेज पे से भागने दौड़ने लग जाओगे, बिकॉज आप यूज टू हो गए, उसके बाद कौन सी फियर कौन सा डर, राइट? तो ये चीज होती है, सो वो 2 मिनट का नर्वसनेस इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके पहले जो भी स्वीट डिश है वो खा लो, आपका माइंड डाइवर्ट होता अच्छा, है। मैंने तो आप आपके
आप ये रिकमेंड करना चाहते हैं कि जाने से पहले स्टेज पे स्वीट्स लेके जाए? हाँ मतलब अपनी अपनी चॉइस है, मेरे लिए चॉकलेट काम करता है, आपके लिए कुछ और काम कर ले। ओके ओके या एनीथिंग एनीथिंग दैट वर्क्स। तो अगर आप अब तक हमारे साथ में बने हुए हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेनिफिशियल लग रही है तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आप अगर स्टेज पे जाएंगे बात करने के लिए तो कौन सी स्वीट लेकर जाएंगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे भी हमारे साथ में डू स्टे ट्यून्ड बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू रिवील द क्रीम ऑफ टुनाइट। ऑल राइट अक्षय सर, आपसे बातें चल रही है, बहुत मजा आ रहा है। आगे रिवील करते हैं आपके कोर्स के बारे में। आपने एक कोर्स लॉन्च किया है राइट, ऑन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को प्लीज कुछ बताइए बिल्कुल, देखो मैं ज्यादा प्रमोशन तो करता नहीं है, बट अगर आप बोल रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। प्लीज। सो मेरा जो कोर्स है ना, वो ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, 1 से 2 घंटे का ही कोर्स है, 5 वीक्स का कोर्स है उसमें। एंड वो पूरा कोर्स इंग्लिश में बनाने का मोटिव ये था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अगर मेरी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए तो अच्छा है। तो वो उनके लिए भी है जिनको इंग्लिश भी थोड़ा बहुत सीखना है, बिकॉज उसमें बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल किया गया है। एंड उस कोर्स में फाउंडेशंस बताया गया है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो बताया गया है, स्ट्रेंजर्स के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हो, ये सारी चीजें जो है मैंने उस 5 वीक्स के कोर्स में बताई है। एंड एक और चीज ये है कि अगर आप उस कोर्स में अभी आने वाले 15 दिन में एनरोल करते हो तो उसका हिंदी वर्जन आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, क्योंकि विद इन 15 डेज वो हिंदी वाला कोर्स भी लॉन्च होगा। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर डेफिनेटली जैसे आपने बताया आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अलोंग विथ इंडिया में ही हमारे पास यू नो कितना सारा वैरायटी है लैंग्वेजेस का। सो डू यू टेलर योर कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स या सबके लिए एक स्टैंडर्ड कोर्स है? हाउ डू यू डू इट? कोर्स उनके लिए होता है ना सभी जी जिनके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज वो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है सर, तो अगर प्री रिकॉर्डेड रहेगा तो वो दे दो। सो प्री रिकॉर्डेड सस्ता भी है, अफोर्डेबल भी है कोर्स, तो वो उनके लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। बट जिनको जेन्युइनली पब्लिक स्पीकिंग में कम्युनिकेशन स्किल में अपना करियर बनाना है तो उनके लिए वन ऑन वन कोचिंग होती है, जो कि 6 वीक्स की होती है, 6 हफ्तों की। हर हफ्ते हम एक दिन कनेक्ट करते हैं एंड उनके नीड के हिसाब से जो है वो कोचिंग प्रोग्राम टेलर है, वो डेडिकेटेड कोचिंग प्रोग्राम होता है। अभी अब तक की जितनी भी आपकी जर्नी रही है, सो हैज देयर बीन एनी सच सक्सेस स्टोरी अबाउट अ स्टूडेंट हु हैज गॉन थ्रू योर कोर्स एंड हैज यू नो इम्प्रूव्ड देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स? बिल्कुल, एक बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है। मैंने जैसे ही मैंने अपना कोर्स जो है 1-2 साल पहले लॉन्च किया था, एंड जैसे ही मैंने लॉन्च किया ना, एक हफ्ते के बाद एक स्टूडेंट ने एनरोल किया, तो मुझे उसके कोर्स के डिटेल्स पता था कि लाइक इस दिन इस बंदे ने एनरोल किया। 2 दिन के अंदर ही उसने मुझे मेल किया, आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स एंड मुझे ना आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने बोला 2 दिन में तो कोई कैसे कोर्स कंप्लीट कर सकता है, 5 हफ्ते का कोर्स है। सो आई वॉज लाइक चलो इसका टेस्ट लेते हैं। मैंने कहा, मैंने उसको बोला कि डेफिनेटली हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, बट इसके पहले ना मैं आपका टेस्ट लेना चाहूंगा। एंड लिटरली मैंने उसको जितने भी क्वेश्चंस पूछे ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, एंड बाद में मुझे पता चला ही वॉज अ टॉपर इन स्टूडेंट, एंड उसकी जो ग्रैस्पिंग पावर है वो बहुत सही है, राइट? तो वो एक बहुत स्ट्रेंज सक्सेस स्टोरी थी मेरे लिए, क्योंकि वो 2 दिन में उसके थोड़े बहुत बेसिक्स पता थे ऑलरेडी, एंड फिर मुझे बाद में पता चला कि हाँ उसको है ना कहीं इंटरव्यू के लिए एडमिशन इंटरव्यू के लिए उसको जॉब चाहिए था, एंड उसको सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट था, तो उसकी उस नीड की वजह से उसने वो 2 दिन में खत्म किया। तो ये एक चीज हमें पता चलती है, एंड मेरा छोटा ही 1-2 घंटे का कोर्स है, तो आप 2 दिन जी में डेफिनेटली ये कर सकते हो। बट मैंने 5 वीक इसलिए दिया है क्योंकि आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो उसको, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, उसकी वजह से मैंने वो 5 वीक्स सब। बट दैट वाज अ मैंने सक्सेस स्टोरी, स्ट्रेंज या वाली। इट्स ब्यूटीफुल, आई मीन कितनी इनकरेजिंग है ये कि आप 1-2 दिन में भी, मतलब मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि ये देखिए 1-2 दिन में भी ये कोर्स इतना आसान है कि आप कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट, वेरी नाइस। अब सर इन मुझे योर उसमें मुझे इस पे एक वो शाहरुख खान की मूवी का एक ये डायलॉग याद आया, वो बोलते हैं ना कि आप अगर आप शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात आपको उस चीज को हासिल करने में लग जा जुड़ जाती है। लग जाती है, राइट राइट राइट।
करेक्ट, बिल्कुल आई सही थिंक सही बोल दैट रहे हो इज सर। वेयर मैनिफेस्टेशन ऑल्सो कम्स इन टू पिक्चर ना, कि आप मैनिफेस्ट करें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लें, देयर आर सो मेनी टर्म्स लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, वो शिद्दत होनी चाहिए आपके अंदर कुछ भी हासिल करने के लिए ना। बिल्कुल सो ओके, बिल्कुल दैट्स वेरी नाइस। अब यहाँ पर कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स और चैलेंजेस अगर हो जो आपने नोटिस किए हैं पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में, तो वो कुछ आप बताना चाहें। बिल्कुल। मैं खुद ही मैं अपनी जर्नी से शेयर करना चाहूंगा। मुझे अभी भी याद है मेरा फर्स्ट वर्कशॉप था गाजियाबाद में 2018 में, जब मुझे जॉब लगी थी। सो वहां पर वो गर्ल्स कॉलेज था एंड मैंने अपनी स्पीच स्टार्ट की। मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन था, मैं जस्ट रीड आउट कर रहा था सब या पीपीटी, जो पीपीटी थी ना अमजद जी, मैं बस उसको रीड आउट कर रहा हूँ बस। एंड स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि स्टूडेंट्स बहुत बोर हो रहे हैं। एंड मैं वो सारी चीजें इंग्लिश में कर रहा था बिकॉज जिस कंपनी के थ्रू मैं गया था मैं उनका डेफिनेटली नाम डाउन नहीं करना चाहता बिकॉज उन्होंने मुझे इतना ट्रस्ट करके यहाँ पर भेजा ट्रेवलिंग वर्लिंग जो कर। 15-20 मिनट के बाद वो एक टीचर आई मेरे पास एंड उन्होंने मुझे अभी भी वो शब्द याद है, वो सेंटेंस याद है, उन्होंने कहा कि अक्षय सर, बोला हाँ मैम, बोलिए बच्चों को हिंदी भी आती है, आप हिंदी में सीखा। सो दैट वाज अ मोस्ट पेनफुल पॉइंट फॉर मी। मैंने बोला यार इस शिट ये क्या हो गया। बट उस दिन मैंने ठान लिया था कि लाइक अब जो करना है ना आई हैव टू डू दिस। फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद ब्रेक हो चुका था 1 बजे। फिर मैंने थोड़ा सा नोट्स देखे जो मैंने प्रिपेयर किए हुए थे, जो मुझे याद थे। मुझे पता था अब क्या फ्लो है, ब्रेक के बाद मुझे कैसे क्या करना है, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3। फिर मैंने पीपीटी की तरफ नहीं देखा। फिर जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरे दिल से अच्छा लगा, वो मैंने हिंदी में सब कुछ बता दिया। एंड यू वुड नॉट बिलीव एट द एंड ऑफ द डे 5-6 बजे तक इन सब ने अपना अपना खुद का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर लिया था, 12th सेमेस्टर स्टूडेंट्स सारे लोग। एंड फिर अमेजिंग, एंड उनके चेहरे पे अमेजिंग। वो एक खुशी अलग थी एंड टीचर्स भी खुश हो गई थी। एंड सेकेंड डे तो फिर इट वॉज वेरी इजी फॉर मी। उसके बाद ऐसे ही दो तीन वर्कशॉप्स होते गए, फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। एक्सीलेंट, यू नो दीज आर सच ब्यूटिफुल मेमोरीज टू ट्रेजर, के वी ऑलवेज लुक बैक और एंड यू कैन रीलिव दैट मोमेंट। इट्स अमेजिंग, वेरी नाइस। इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन यू नो एक फाइनल जो आपके दिल के बहुत करीब एक एडवाइस होगी फॉर एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकर्स, या जिनको नहीं पता कुछ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, और जिनको ऐसा लगता है कि ये हमसे होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, तो उनको उभारने के लिए या इनकरेज करने के लिए कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस आप कुछ देना चाहें सर, प्लीज। बिल्कुल, मेरी एडवाइस ये रहेगी, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। लाइक द डे यू विल स्टॉप ड्रीमिंग, द डे यू विल स्टार्ट फेलिंग, एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, आई पर्सनली बिलीव। सो वो मुझे कॉलेज का वो एक इंसिडेंट याद है जो मैंने बताया था, फेस्टिवल के टाइम मुझे स्कूल कॉलेजेस में क्लासरूम्स में जाके अनाउंसमेंट करना था। अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता सो मोस्ट प्रोबेबली आई वुड नॉट हैव बीन हियर। तो वो मुझे वहां पर वो फेलियर महसूस हुआ एंड मैंने कि नहीं, आई वांटेड टू बिकम अ कोच, आई वांटेड टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने कोर्सेज में इन्वेस्ट किया, मैंने इन सारी चीजों में इन्वेस्ट किया। सो ऑलवेज ड्रीम बिग एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। एंड जैसे अमजद भाई ने बोला वो शाहरुख खान का डायलॉग, कि अगर किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे लगाने में तुम उसको कामयाब बनाने में लग जाती है। दैट इज सो ट्रू, इट हैज हैपेंड विद मी। एब्सोल्युटली, वो भी है ना, नो वन विंस द फर्स्ट बैटल, वो है ना। नोबडी विंस द फर्स्ट एब्सोल्यूट बैटल, एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट। कूल, वेरी एंड इफ यू आर नाइस। नॉट, एंड आई पर्सनली बिलीव इफ यू आर नॉट फेलिंग इन लाइफ दैट मींस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, फेलियर इज द स्टेप्स टू सक्सेस आई बिलीव। स्टेपिंग स्टोन, यस। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत मजा आया। आई डोंट फील लाइक एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आई एम श्योर आप लोगों को भी देख के बहुत मजा आया होगा। सो अक्षय सर को रीच आउट करने के लिए उनके सारे डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी रिकमेंडेशंस, प्लीज जस्ट राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। वी आर ऑलवेज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू वेरी मच।